बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 11 के अंदर ट्रीज़ डाटा स्ट्रक्चर है। ट्री ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस का या डाटे का कुछ इस तरह से व्यू हो कि सबसे ऊपर एक हेड है, फिर उसके नीचे आगे एम्प्लॉयज़, फिर उसके फर्दर आगे एम्प्लॉयज़। तो ये एक ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट है, एक रूट है फिर उसके आगे फर्दर। अब इसके अंदर देखें, हमारे पास जैसे पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, फिर सन है, फिर उसके फर्दर कह लें कि चाइल्ड है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को ट्री डाटा स्ट्रक्चर कह देते हैं। ट्री के अंदर है जी बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री ऐसी ट्री जिसके सिर्फ और सिर्फ दो चाइल्ड हो सकते हैं। ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्री है हमारे पास, तो इसके अंदर ये इसका पेरेंट है, रूट नोड इसे कहते हैं, स्टार्टिंग वाले को, इसके मैक्सिमम दो चाइल्ड हैं। एक भी हो जाए तब भी वो बाइनरी ही ट्री होगी, लेकिन मैक्सिमम टू होंगे। अगर तीसरा भी नोड हम बना दें जिस तरह पहले वाली एग्जांपल थी, तो वो ट्री तो होगी, बाइनरी ट्री नहीं होगी। बाइनरी ट्री के लिए ये ज़रूरी है कि उसके लेफ्ट में और राइट में एक एक चाइल्ड है, उससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए बाइनरी वर्ड इंडिकेट करता है कि टू को है। तो सबसे पहले वाले नोड को रूट नोड कहते हैं। रूट नोड की लेफ्ट साइड पे जो आएगी ट्री, उसे लेफ्ट सब ट्री कह देंगे, क्योंकि ये भी एक ट्री बन रही है, लेकिन ये इस पूरी ट्री का हिस्सा है, इसलिए इसे लेफ्ट सब ट्री कहेंगे और इसे राइट सब ट्री कहेंगे। ये ए का लेफ्ट नोड बी है, ए का लेफ्ट नोड सी है। इसी तरह सी चाइल्ड भी है और फर्दर पेरेंट्स भी है इस ट्री का। ये आगे फर्दर फिर एक ट्री बन रही है। वही बात कि ये यहाँ पे रूट भी होगा, ये भी उसकी एक ट्री है, ये इसके लिहाज से ये इसकी राइट सब ट्री है, ये बी के लिहाज से डी जो है लेफ्ट सब ट्री में है, और ये सारा जो है वो लेफ्ट सब ट्री होगी एक से कंपेयर करके, या एक से रिलेशन जो है वो इसकी लेफ्ट साइड पर आता है। अब रूट है और राइट सब ट्री है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी लेफ्ट साइड पे कोई ट्री नोड हो या ट्री हो किसी भी स्ट्रक्चर में। बस मैक्सिमम दो नोड हो सकते हैं, वन भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, और वो डेफिनेटली या लेफ्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे होगा। ये भी उसी को एक्सप्लेन किया गया है। अब नॉन ट्री स्ट्रक्चर, अब ये देखें, ये नोड तो दो दो ही बन रहे हैं, लेकिन जी के दो पेरेंट्स हैं, ई और डी, तो ये नॉन ट्री है। ये ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्री का सिर्फ एक ही पेरेंट्स होगा। ये एच का एक पेरेंट है, एफ का भी एक पेरेंट है, सी का एक पेरेंट है। पेरेंट्स के दो चाइल्ड हो सकते हैं मैक्सिमम। और दूसरा ये है कि पाथ जो है वो एक ही आ रहा होगा। बात तो वही है कि एक का पेरेंट शो किया है, लेकिन दो पाथ दिए गए हैं, ये नॉन ट्री डाटा स्ट्रक्चर में आएगा। और अगर इनका आपस में भी रिलेशन शो किया गया है, तो वो भी नॉन ट्री डाटा स्ट्रक्चर में। इसमें आपस में भी लेवल को शो किया गया है, ऊपर से भी नीचे को शो किया गया है, पेरेंट्स, लेफ्ट डिसेंडेंट और राइट डिसेंडेंट, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, इसको ये इनकी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है इसके अंदर। और यहाँ पे नई चीज़ है जी, आखिरी नोड को जिसके फर्दर आगे कोई चाइल्ड ना हो, तो उसे लीफ नोड कहते हैं। यहाँ पे डी लीफ नोड है, ई नहीं है, क्योंकि ई का एक लेफ्ट चाइल्ड है, एफ भी नहीं है, एफ के दो चाइल्ड हैं, एच आई है, ये लीफ नोड है। स्ट्रिकी बाइनरी ट्री, स्ट्रिकी बाइनरी ट्री ऐसी ट्री होगी कि जिसमें नॉन लीफ के दोनों लेफ्ट और राइट चाइल्ड होंगे, या यूं समझें कि अगर चाइल्ड होंगे तो दो होंगे या नहीं होंगे। जैसे बी के दो चाइल्ड हैं, ई और डी, और ई के भी आगे फर्दर दो चाइल्ड हैं, सी के देखें टू चाइल्ड हैं, एफ के टू चाइल्ड हैं, ए के भी टू चाइल्ड हैं, तो जे के कोई भी नहीं है, लीफ नोड के कोई नहीं है, और नॉन लीफ के होंगे तो वो टू होंगे। ये नहीं है कि अगर इसकी ये वाली साइड पूरी ना हो, या फॉर एग्जांपल ये वाला के ना हो,
ई का एक ही चाइल्ड हो तो वो स्टिकी बाइनरी ट्री नहीं होगी, नॉन स्टिकी में आ जाएगी। नेक्स्ट है लेवल, हमारे पास रूट का लेवल, ट्री का जो लेवल है वो रूट से स्टार्ट होता है। रूट को ज़ीरो से इंडिकेट करेंगे कि इसका लेवल ज़ीरो है, इस तरह नीचे को आते जाएंगे कि ये दोनों वन लेवल पे है, इनका लेवल टू है, ये सेम लेवल के डी ई और एफ का। इसी तरह नीचे वाले जो नोड होंगे उनका लेवल सबका लेफ्ट हो या राइट हो वो सबका एक ही रूट आ जाएगा, लेवल आ जाएगा। बाकी कंप्लीट बाइनरी ट्री। स्टिकी के अंदर ज़रूरी नहीं था कि अब इस साइड पे ये सारी चीज़ें अगर ना हों तो भी वो स्टिकी बाइनरी ट्री होगा। कंप्लीट के अंदर क्या होगा कि हर लेवल के ऊपर नंबर ऑफ नोड जो हैं वो दोनों साइडों पे इक्वल हों, कंप्लीट हों। कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ डी स्टिकी ट्री अलाउज हुज लीव्स आर एट लेवल डी, के कंप्लीट बाइनरी ट्री इसे कहते हैं। जैसे अगर पहले लेवल पे देखें तो हमारे पास अगर उसका बी और सी चाइल्ड होगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे अगर वन साइड है और ये चाइल्ड हैं तीन हैं तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। अच्छा, उसके लिए ये फार्मूला भी है, अगर लेवल ज़ीरो है तो टू की पावर ज़ीरो वन नोड है, और लेवल वन है तो टू की पावर वन टू नोड होंगे, तो यहाँ मैक्सिमम टू नोड हैं और टू होंगे तो कंप्लीट का मतलब ये है कि इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकते नोड इसके अंदर। और अगर लेवल टू है, टू की पावर टू फोर नोड, टू इसके नोड आएंगे चाइल्ड, टू इसके चाइल्ड आएंगे, लिहाजा इस लेवल पे फोर नोड होंगे तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अगर लेवल थर्ड भी है हमारे पास तो थर्ड टू की पावर थ्री तो नोड बन जाएंगे एट। अब इसको काउंट करो, लीफ नोड सारे एट नोड हैं। तो इनकी कैलकुलेशन है, फार्मूला बनाया हुआ है कि अगर सबको कैलकुलेट करना है तो वो कैसे है, टू की पावर ज़ीरो प्लस टू की पावर वन टू की पावर टू, जहाँ तक डी है डेप्थ है, जितना लेवल है और उस वहाँ तक हम प्लस करते जाएंगे। ये देखें, इसको प्लस करेंगे फिर नीचे वाले पूरे को प्लस करेंगे फिर इसको प्लस करेंगे फिर इसको। अब हमारे पास ज़ीरो वन टू थ्री थ्री डेप्थ है तो टू की पावर थ्री तक प्लस करते जाएंगे, तो वो इसकी क्या मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई। समीशन है डी तक जाएगा, जे ज़ीरो से स्टार्ट होके डी तक जाएगा और उसकी टू की पावर टू जे आ जाएगा, जो इसको कैलकुलेट करके टू डी प्लस वन माइनस वन। अगर हमारे पास थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल डी की पावर थ्री एट थ्री प्लस वन तो पावर फोर हो जाएगी, पावर फोर होगी तो टू की पावर फोर सिक्सटीन है, माइनस वन करेंगे फिफ्टीन रह जाएगा। अगर हम इन नंबर ऑफ नोड को कैलकुलेट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, इसी तरह अगर एक और लेवल बढ़ जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ नोड जो हैं वो थर्टी वन है। तो ये फार्मूला एग्जाम में भी डिस्कस हो सकता है। इसी तरह लेवल ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री के अगर लेवल निकालना हो कि किस लेवल पे है तो उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज होता है कि लॉग टू एन प्लस वन माइनस वन, कि अगर नंबर ऑफ नोड आपको दिए गए हैं कि इतने नंबर ऑफ नोड हैं और उसके लेवल्स कितने होंगे, एक लाख नोड हैं लेवल कितने होंगे वन लाख प्लस वन तो माइनस वन, और उसका लॉग लेंगे तो वो ट्वेंटी आएगा, तो ये ट्वेंटी लेवल, ये इस फार्मूले का उलट है, उसी को ही कन्वर्ट करके दिखाया गया है कि अगर हमें लेवल दिए गए हैं नंबर ऑफ नोड निकालने हैं तो ये है, और अगर हमें नंबर ऑफ नोड दिए गए हैं लेवल उसके फाइंड करने हैं तो हम उसके लिए ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। बाइनरी ट्री के ऊपर ऑपरेशन कौन से परफॉर्म होते हैं, वो लेफ्ट राइट पेरेंट ब्रदर इन्फो, ये वाले ऑपरेशन इस पे अप्लाई होते हैं, इसकी डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर में है इंशाल्लाह।